हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं D SSSB की ऑफिशियल वेबसाइट को इस मैप पर हम विजिट कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, अभी D SSSB के द्वारा लेटेस्ट रिजल्ट यहां पर दिया गया है। आप देखेंगे दो लेटेस्ट अपडेट यहां पर अभी D SSSB के द्वारा रिलीज की गई है। एक तो रिजल्ट जारी किया गया फ्रेंड्स, और एक रिकॉल नोटिस जारी किया गया है। और अभी जस्ट शाम की लेटेस्ट अपडेट है, तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं नोटिस को एक एक करके और कौन से रिजल्ट को डिक्लेयर क्या गया। देखिए, अभी की लेटेस्ट अपडेट है, नोटिस नंबर है 121, लेबर वेलफेयर इंस्पेक्टर, पोस्ट कोड है 16/20, तो 16/20 पोस्ट कोड है। लेबर वेलफेयर इंस्पेक्टर की ये पोस्ट है और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की ये वैकेंसीज हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहां देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट नंबर 1/20 थी ये, जहां पर टोटल 4 वैकेंसीज थी, जिसमें कि जनरल की 3 वैकेंसीज थी, ओबीसी की 1 वैकेंसी थी। तो सिर्फ दो ही कैटेगरी के लिए ये रिक्रूटमेंट निकाली गई थी। पोस्ट कोड 16/20 इन DTC। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर 30 नवंबर 2021 को ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया था। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की कट ऑफ जारी कर दी गई है, कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया है और आपका ई डोजियर कॉलिंग किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपके मास की स्टेटमेंट है अपनी पोस्ट कोड की, वो आप बोर्ड की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। आपके मार्क्स यहाँ पर लॉगिन करने के बाद जो OARS पोर्टल है D SSSB का ऑफिशियल वेबसाइट, ये दे देगी फ्रेंड्स। इस पर जब आप लॉगिन करेंगे तो वहां पर रिजल्ट में आपको आपका स्कोर पता चल जाएगा और जो आपकी परफॉर्मेंस है उसके बेस पर यहाँ पर टोटल 15 कैंडिडेट हैं जो कि इतने मार्क्स लेकर आए हैं जो कट ऑफ के इक्वल हैं या फिर कट ऑफ से अबव हैं, मतलब कट ऑफ से ज्यादा हैं या फिर कट ऑफ के इक्वल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पर प्रोविजनली शॉर्ट लिस्ट किया गया है। आप लोगों को रिक्वायर्ड साइट डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए OARS पोर्टल पर, तो ई डोजियर को अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जा चुका है। तो फ्रेंड्स, कट ऑफ देख लीजिएगा आप, 200 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ बनाई गई है। जनरल की जो कट ऑफ है 124.24 रही है और ओबीसी की जो कट ऑफ है 111.11 रही है। और देखिए, आपको जो ई डोजियर पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं बिल्कुल मस्ट बोला गया है। जो भी आपको गिवन टाइम पीरियड दिया गया है उसके अंदर आपको ये अपने डॉक्यूमेंट ई डोजियर पर जरूर से जरूर अपलोड कर देने हैं। ई डोजियर का लिंक आपका एक्टिव रहेगा 6 मई 2022 से लेकर के 20 मई 2022 तक का समय आपको दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो 16/20 पोस्ट कोड के रिगार्डिंग ये कट ऑफ आज जारी कर दी गई है। काफी कैंडिडेट थे जो इस पोस्ट के बारे में पूछ रहे थे क्योंकि वैकेंसीज कम थी और इसमें डिले किया जा रहा था। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए खुशी की खबर है, आप लोगों की कट ऑफ जारी की जा चुकी है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। और आइए फ्रेंड्स, सेकंड रिकॉल नोटिस को हम देख लेते हैं। नोटिस नंबर है 122, फी कलेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ऑक्शन रिकॉर्डर, पोस्ट कोड है यहाँ पर 99/20 और डेट आप देख सकते हैं 2 मई 2022। अभी जस्ट शाम की लेटेस्ट अपडेट है फ्रेंड्स, ये दिल्ली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड की वैकेंसी है, ये डिपार्टमेंट आपका। यहाँ पर ये 4 कैंडिडेट है जिनके की डॉक्यूमेंट की डेफिशिएंसी पाई गई है, मतलब इनके डॉक्यूमेंट्स की कमी पाई गई है। जो इनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो इनको अपलोड करने के लिए बोला गया है और ये सेकंड और फाइनल अपॉर्चुनिटी आप लोगों को दी जा रही है। तो फ्रेंड्स देखिए, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है आपको डेफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए। जो भी आपको गिवन टाइम यहाँ दिया गया है, जो भी डॉक्यूमेंट बताए गए हैं, इस टाइम पीरियड के अंदर आप जरूर से जरूर इनको अपलोड कर दीजिएगा क्योंकि फाइनल अपॉर्चुनिटी आपको ये दी जा रही है। इसके बाद आपको कोई चांस नहीं दिया जाएगा। और वीडियोस को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिएगा क्योंकि जिन कैंडिडेट को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, अगर फ्रेंड्स ये अपडेट उन तक नहीं पहुंच पाती है तो ऐसे मेहनती कैंडिडेट अपने जीवन के बहुत बड़ी अचीवमेंट का लॉस कर देते हैं। और जब बाद में उनको पता चलता है रिजल्ट आ चुका होता है, ई डोजियर की डेट जा चुकी होती है, तो फ्रेंड्स कोशिश कीजिएगा जो भी आपके कनेक्शन में, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिन्होंने भी D SSSB की रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो आप लोग उनको अपडेट्स के बारे में जरूर बताते रहिएगा। देखिए यहाँ पर टोटल 4 कैंडिडेट है जिनके रोल नंबर यहाँ इस कॉलम में दिए गए हैं और रिमार्क्स में ये वो डॉक्यूमेंट है जो कि आपको ई डोजियर पर अपलोड करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ देखिएगा, कैंडिडेट इज डायरेक्टेड टू अपलोड द कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड डली साइंड बाय द इनविजिलेटर एंड थंब इंप्रेशन एंड सिग्नेचर ऑफ सेल्फ। तो फ्रेंड्स देखिएगा, जिन कैंडिडेट की यहाँ पर एडमिट कार्ड की प्रॉब्लम है, तो इससे पहले जो कई नोटिस D SSSB के द्वारा जारी किए गए हैं वहां पर उन्होंने साफ
साफ साफ कहा हुआ है कि जिस भी कैंडिडेट का एडमिट कार्ड गुम हो जाता है तो उनके लिए सॉल्यूशन है, अगर वो अपने एडमिट कार्ड के गुम होने की, लॉस्ट होने की FIR की कॉपी e-dossier पर अपलोड कर देंगे तो उसको भी स्वीकार कर लिया जाएगा, वो वैलिड मानी जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों का एडमिट कार्ड गुम हो गया है, आपके पास नहीं है, या ये इनविजिलेटर के साइन वाली प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पर FIR की कॉपी को भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग आप डॉक्यूमेंट्स को देख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यही एक लेटेस्ट अपडेट थी जो कि DTPLSB के द्वारा अभी अभी जारी की गई थी। और आपका जो e-dossier का लिंक है वो देखिए 6/5/2022 से लेकर के 10/5/2022 तक ही ये एक्टिव रहेगा। इस गिवन टाइम पीरियड में ये डॉक्यूमेंट आप जरूर से जरूर अपलोड कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हार्डली 4 to 5 days ही आप लोगों के पास होते हैं डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए। और अगर वेबसाइट की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, सर्वर डाउन हो जाता है, तो इसमें बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो फ्रेंड्स, आप कोशिश कीजिएगा कि 6 तारीख में ही अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दे। ओके फ्रेंड्स, तो यही एक लेटेस्ट अपडेट थी जो कि DTPLSB के द्वारा जारी की गई थी। और इससे पहले 3 और नोटिस DTPLSB के द्वारा रिलीज किए गए थे जो कि हम इससे प्रीवियस वीडियो में चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो फ्रेंड्स आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और नोटिफिकेशंस की अपडेट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।